डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट, द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एरो। डीसी सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट आर सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, सोलर सेल। डीसी फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो। डायरेक्ट करंट में ये वन डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसका सिंबल एरो है। इसके सोर्स हैं, जो कि पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, सोलर सेल, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ज़ीरो। अल्टरनेटिव करंट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस करंट चेंजेस विद टाइम एंड अटेंड्स द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल, टाइम इंटरवल, विच इज कॉल्ड इट्स पीरियड। अल्टरनेटिव करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का टाइम के साथ चेंज होता है, और यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम अटेंड करता है, और उस टाइम इंटरवल को पीरियड कहते हैं। मैक्सिमम डायरेक्ट करंट हमको बैटरी सेल से मिलती है, बट अल्टरनेटिव करंट जो है वो मोस्टली पावर प्लांट से पावर प्लांट में बनाई जाती है। जैसे पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हो सकता है, एटॉमिक पावर प्लांट भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट से अल्टरनेटिव करंट आती है, जो कि कोरबा में है, और ये अल्टरनेटिव करंट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम अपनी ट्यूबलाइट जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब हम उस पर, कमरों में लाइट जलती है, फैन चलते हैं, एसी चलता है, ये सब हमारे अल्टरनेटिव करंट से ही चलते हैं। हमारा अल्टरनेटिव करंट जो है वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक खास टाइम के बाद रिपीट करता है, चेंज करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज़, मतलब 51 सेकेंड में 50 टाइम्स वो अल्टरनेटिव करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं। 50 टाइम्स पॉजिटिव पोलैरिटी में रखते हैं, और 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स वो नेगेटिव पोलैरिटी रखते हैं। अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट में कौन हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो अल्टरनेटिव करंट है मोर एडवांटेज कंपेयर टू डीसी। क्या क्या एडवांटेज है अल्टरनेटिव करंट के? फर्स्ट, अल्टरनेटिव करंट कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, दस इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट। अल्टरनेटिव करंट को हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे एग्जांपल, कोरबा में पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में एसी प्रोड्यूस की जाती है, और वहाँ से भिलाई तक आती है, ट्रांसमिट होती है। लेकिन जब भी हमको अल्टरनेटिव करंट को ट्रांसमिट करना होता है, उसे ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। हमारे यहाँ जो हम घरों में अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट पर हम अपना करंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब हम कोरबा से यहाँ लाते हैं, तो उसको पहले हाई वोल्टेज में, मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसको वायर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से हम ट्रांसमिट होकर हमारे पास तक आती है। तो हाई वोल्टेज पे क्यों रखते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज पे यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस में उसको ट्रांसमिट करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा। कौन एनर्जी का लॉस कैसे होता है? कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी जब वायर के थ्रू हमारे पास तक पहुंचती है, तो वो वायर को गर्म कर देती है,
मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वह एनर्जी हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं रहती है, तो वो हमारी कैसी रहती है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। तो इसलिए हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अल्टरनेटिव करंट को, लेकिन डायरेक्ट करंट को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सबसे और दूसरी बात कि जब ट्रांसमिट करते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है, हमको उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। सेकंड एडवांटेज जो है वो है एसी इक्विपमेंट आर ड्यूरेबल एंड कन्वीनियंट इन कंपेयर टू डीसी इक्विपमेंट। आप लोग घरों में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है ना, और फैन है, एसी है, कूलर है, ऐसे बहुत सारे गीज़र है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। जो एसी के अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट्स होते हैं वो डीसी के इक्विपमेंट और अप्लाइंसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। थर्ड, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत से अप्लाइंसेस में हमको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास तो अल्टरनेटिव करंट है घर में, तो ये अल्टरनेटिव करंट को हम रेक्टिफायर के थ्रू डायरेक्ट करंट में चेंज कर लेते हैं, तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। फोर्थ, एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चोक कॉइल एट लो एनर्जी लॉस, वेयर एज डीसी कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय यूजिंग रेजिस्टेंस इन विच एनर्जी लॉस इज टू मच। डायरेक्ट करंट में आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि यदि किसी सर्किट के अंदर हमको करंट की वैल्यू को चेंज करना होता है तो हम रिहोस्टेट यूज़ करते हैं। ये रिहोस्टेट एक रेजिस्टेंस ही है, हम इस रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं जिससे हमारी करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन इस समय जब भी हम रिहोस्टेट के थ्रू करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है। अल्टरनेटिव करंट के अंदर हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर यदि हमको करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना है तो हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। चोक कॉइल जो कि आगे आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, चोक कॉइल जो है वो एनर्जी का लॉस मिनिमम रखती है, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट, बाय द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज कैन बी अप और डाउन। जैसा हमने पहले भी बताया कि हाई वोल्टेज लाइन पर अल्टरनेटिव करंट को ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज, और जब हम हमारे घरों के पास आती है तो ट्रांसफार्मर, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास कई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज को चेंज करने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करने के काम में आता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करने के काम में आता है। तो अल्टरनेटिव करंट में हम वोल्टेज को भी ट्रांसफार्मर के थ्रू अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं कर सकते। बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अल्टरनेटिव करंट के कंपेयर टू डीसी। ये डिसएडवांटेज जो है वो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि एसी इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट ज़्यादा डेंजरस होती है, यदि कोई टच कर ले तो बहुत सीवियर शॉक लग जाता है, बट डायरेक्ट करंट उतनी शॉक नहीं लगाती। अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ सच एज इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये प्रोसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पर हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोग ने 8th क्लास में पढ़ा होगा वोल्टामीटर, जिसमें हम वाटर के थ्रू, वाटर वोल्टामीटर, जिसमें हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें वो अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस
है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए हमको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मटेरियल के अंदर पॉलिश करना होता है तो जैसे गोल्ड पॉलिश करना है, एक चम्मच है उसके अंदर गोल्ड पॉलिश करना है, सिल्वर पॉलिश करना है, तो गोल्ड पॉलिश और सिल्वर पॉलिश करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करंट की ज़रूरत पड़ती है और ये करंट भी हमारी डायरेक्ट करंट होती है। तो अल्टरनेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अभी जो हम पिछला पढ़ते आ रहे हैं, हर में हम देख रहे हैं यदि किसी करंट वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें भी जो करंट भेजी जा रही है वो डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिव करंट से हमको मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रोसेस है जहाँ पर हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ नहीं कर सकते। एसी और डीसी में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अल्टरनेटिव करंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद टाइम, बट डायरेक्ट करंट में डीसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम। सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम एसी जनरेटर एंड मेन्स, जबकि डायरेक्ट करंट में सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट आर सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर एंड सोलर सेल। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आपको एक वर्कशीट दी गई जाएगी, उस पर क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है।